हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। तो उसी तरह का वीडियो आज भी बनाने जा रहे हैं जिसमें अपन बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से इम्पोर्टेंट जो भी रिएक्शन हैं जो हमारे नीट के अंदर इम्पोर्टेंट हो सकती है, नीट के अंदर आ सकती है और पीछे जो आ रखी है उन सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे ताकि आपका कम से कम टाइम के अंदर रिवीजन हो जाए। वापस जैसे आप वीडियो देखोगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर है वो जो भी उसके अंदर मेन पार्ट है इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा आपके दिमाग में वापस आ जाए। तो इस पर्पज से अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन यानी कि निर्माण के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास कि अल्कोहल से आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। तो ये मेरे पास एक अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है। इसका करा देंगे अपन ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंट में, तो बोलेंगे KMnO4 की प्रेजेंट में, क्योंकि KMnO4 कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक है तो यहाँ पर अपन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो एक H2 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास RCOOH, क्लियर। दूसरी आती है एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। सेम रिएक्शन है उसका भी क्या कराएंगे अपन ऑक्सीडेशन, जैसे ये RCHO है इसका क्या करा देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, कराएंगे तो क्या होगा ये ऑक्सीजन है वो यहाँ कर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा RCOOH, क्लियर। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड से दो रिएक्शन की बात होगी। नेक्स्ट देखिए तीसरी रिएक्शन कौन सी है, थर्ड आता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, इसकी रिएक्शन करा दो आप CO2 से, ठीक है, CO2 से रिएक्शन कराओगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, इसमें कौन सा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी ऑक्सीजन की होती है तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस की तरफ माइनस प्लस की तरफ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमारे पास RC OOMGX, ये मिलेगा प्रोडक्ट, इसका क्या करा दो आप HOH तोड़ दो बीच में से तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या मिलेगा RC OOH + MgxOH, क्लियर, ये मिलेगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर आती है हमारे पास जो भी हमारे पास एसिड है, ठीक है, उनका अपन क्या कराएंगे जल अपघटन कराएंगे। फोर्थ नंबर रिएक्शन एसिड के जल अपघटन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड के जल अपघटन से यहां से अपने को क्या बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जैसे मेरे पास ये है RCOOCl, ठीक है RCOCl, इसका करा देंगे अपन क्या HOH, ठीक है HOH कराएंगे तो HCl बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा RCOOH + HCl, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास ये है एक एनहाइड्राइड है, इसका भी क्या करा देंगे जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा एक ये बाहर निकलेगा RC OH, ठीक है RC OH और एक बन जाएगा ये वाला, तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे अपने को RCOOH के। तो इसको बोलते हैं एसिड के जल अपघटन से, पहले वाला था ग्रिग्नार्ड से, सेकंड था एल्डिहाइड से और फर्स्ट था अल्कोहल से, ठीक है, चार रिएक्शन की बात होगी। पांचवा आता है हमारे पास साइनाइड से अपने को क्या बनाना है एसिड बनाना है। तो साइनाइड से एसिड बनाओगे तो उसमें आप क्या करोगे वाटर से रिएक्ट करा दो, तो RCN की क्रिया कराएंगे किससे वाटर से, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा NH2 और ये से जुड़ जाएगा CO, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास RCONH2, इसकी रिएक्शन फिर करा दो किससे वाटर के साथ, तो वाटर के साथ कराओगे तो ये टूट जाएगा ऐसे, OH जुड़ जाएगा इससे और H जुड़ जाएगा इससे, तो NH से निकलेगा बाहर और प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को RCOOH। तो इसको बोलते हैं साइनाइड से अगर क्या बनाना है अपने को एसिड बनाना है तो रिएक्शन कौन सी देगी ये वाली। इसके बाद आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दरा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह।
तो हमें क्या दे रखा है, टोलुइन दे रखा है, और टोलुइन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो उसके रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, टोलुइन की रिएक्शन कराएंगे तीन ऑक्सीजन के प्रेजेंट के अंदर KOH के साथ, तीन ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उसके तीन गुना क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ पर एक कार्बन है तो तीन गुना ऑक्सीजन लेंगे, दो होंगे तो छह, तीन होंगे तो नौ, ठीक है। तो तीन गुना यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे, साथ में क्या लेंगे KOH, तो यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। साथ में क्या बच गया, एक OH और एक H, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। और ये जो K है इससे जुड़ जाएगा साथ में, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बच गए थे, दो, तो दो ऑक्सीजन इससे जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा COOK, ठीक है। अब ये COOK वापस से इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ से के और यहाँ से OH, बाहर निकलेगा KOH और वापस ये एच है यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान रखना कि टोलुइन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, क्लियर। अब यहाँ पर आकर एंड हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन बनाने की जो भी मेथड है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो सारे इतनी ही है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की इंपॉर्टेंट रीजन। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है, किस किस से रिएक्ट करेगा, उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसकी बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा किससे, PCl5 से कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये हमने लिया RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और ये लिया PCl5, ठीक है। अब रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, एक तो यहाँ पर बनेगा RCOCl, क्या बनेगा RCOCl, और एक H और ये Cl बाहर निकलेगा, ठीक है, HCl, और साथ में क्या निकलेगा POCl3, RCOCl, POCl3 और HCl, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा अपने को जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा किससे, PCl5 से। फिर दूसरा आता है कि थायरिल क्लोराइड से कैसे रिएक्शन होगी, वो भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर RCOCl निकलेगा, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायरिल क्लोराइड, इसमें भी क्या निकलेगा RCOCl, एक H और एक Cl और बाकी बचा SO2, तो RCOCl, SO2 और HCl, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर मेन प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा RCOCl। तीसरी कंडीशन आती है कि जब एसिड है वो रिएक्ट करता है किससे, एल्कोहल से। हमारे पास कि एल्कोहल से कैसे रिएक्ट करेगा, तो एल्कोहल से रिएक्शन एसिड की, एल्कोहल से बात करें तो ये हमारे पास एसिड है RCOOH प्लस ये है एल्कोहल HOR, अम्लीय माध्यम के अंदर ये रिएक्ट होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहाँ से निकला OH और यहाँ से निकला H, वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल गया, पीछे है वो सारा आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा एस्टर COOR, इसको बोलते हैं एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रीकरण, क्या बोलेंगे एस्ट्रीकरण, क्लियर। नेक्स्ट देखिए साहब, 4 नंबर और 5 नंबर रिएक्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। 4 नंबर रिएक्शन है, उसका नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण, या इंग्लिश में बोले तो डी कार्बोक्सिलेशन। इसी का दूसरा नाम होता है सोडा लाइम रिएक्शन, ठीक है। पहले बात करें कि सोडा लाइम कहते किसे हैं, सोडा लाइम कहते हैं NaOH प्लस CaO, इसका जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर हमें को मिलता है उसको बोलते हैं सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। तो इसके अंदर क्या करते हैं, RCOOH ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, किसके प्रेजेंट में, CaO के प्रेजेंट के अंदर। तो यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा बाहर Na2CO3, ये वाला प्रोडक्ट निकलेगा बाहर Na2CO3, पीछे क्या बच गया R और H, तो हमें क्या मिलता है, एक कार्बन कम की एल्केन मिलती है। जितना अपने कार्बोक्सिलेट लेते हैं या उसका साल्ट लेते हैं तो उससे एक कार्बन कम की अपने को क्या मिलती है, एल्केन मिलती है, ये इसकी विशेषता होती है रिएक्शन की, एक कार्बन कम की एल्केन मिलेगी, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है NaOH प्लस CO को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, NaOH प्लस CO इस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। नेक्स्ट इज कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे सिंथेसाइज, इसके अंदर क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेंगे किसके, RCOOH की, उसकी रिएक्ट कराएंगे HOH, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड कराएंगे अपन RCOOH और वाटर के अंदर। तो होगा क्या, वापिस से यहां से क्या निकलेगा, ये Na और ये OH, ये Na और ये OH, तो दो मॉलिक्यूल लिखेंगे हमारे पास NaOH के, दो मोल निकलेंगे NaOH के, यहां से ये निकलेगा CO2, ये CO2, तो दो निकलेंगे CO2, फिर ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और साथ में बच गया फिर एक H और ये एक, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने को जितने कार्बन लेते हैं, जितना एल्किल ग्रुप होगा उससे डबल कार्बन की अपने को क्या मिलेगी, एल्केन। ये क्या है, एल्केन तो है, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप जितना होगा उससे डबल अपने को क्या मिलेगा, एल्केन, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर क्या निकलेगी, सीओ टू गैस और हाइड्रोजन गैस, दो तरह की गैस निकलेगी, एक निकलेगी सीओ टू और एक निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तीसरी बात, यहां पर लिख रखा है एनोड और कैथोड, तो कार्बन से रिलेटेड जितना भी पार्ट होगा वो मिलेगा अपने को एनोड पर, कार्बन से रिलेटेड। जैसे एल्केन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। सीओ टू के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन वाला पार्ट अपने को मिलेगा एनोड पर और बाकी जितना भी होगा वो मिलेगा अपने को कैथोड पर। ये आपको ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न यहीं पर आता है कि भाई NaOH है वो हमें कौन पे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कहाँ पर मिलता है, एनोड पर मिलता है कि कैथोड में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन वाला पार्ट मिलेगा एनोड पर, बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा मिलेगा कैथोड पर, ठीक है। उल्टा याद कर सकते हो, जैसे कैथोड की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सी से, और कार्बन ये वाला सी, तो इसमें उल्टा होगा, ठीक है। कार्बन है वो हमें सी पर नहीं मिलेगा बल्कि कहाँ पर मिलेगा, ए पर मिलेगा, ठीक है। कार्बन कहां पर मिलेगा, ए पर ना कि सी पर, ऐसे आप उल्टा करके याद कर सकते हो। तो कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट है, एल्केन में प्रेजेंट है कार्बन, और सीओ टू के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिलेंगे अपने को एनोड पर, बाकी वाले कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोवाइड कराता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे, ये इसकी विशेषता होती है कोलबे संश्लेषण की। तो यहां पर आकर हमारा जो कार्बोक्सिलेशन है उसके अंदर पांच रिएक्शन हो गई है। एक और रिएक्शन आती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोडक्ट कैसे बनाता है, प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट कि भाई ऑर्थो बनाएगा कि पैरा बनाएगा कि मेटा बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है और आपसे पूछा गया है कि ये इसके अंदर अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। तो HNO3 को मैं यूं लिख सकता हूँ OHNO3, ठीक है, सॉरी OHNO2, HNO3, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि भाई ये अटैक कहां पर करेगा, ऑर्थो पर करेगा, मेटा पर करेगा, ये पैरा पर करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान रखना हमेशा कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां से निकलेगा ये वाटर और ये NO2 कहां पर अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है, हमेशा माइनस एंड इफेक्ट लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस एंड इफेक्ट लगाता है। तो ड्यू टू माइनस एंड इफेक्ट द मेटा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर आकर हमारा एंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एमीन वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए शेयर, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। तो विदा लेते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।